कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं, कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। लोकसभा चुनाव के रुझान के बाद चारों तरफ यही बात हो रही है कि क्या कांग्रेस सरकार बनाने का सोच रही है। इसी को लेकर जब राहुल गांधी से सवाल किया गया तो सुनिए राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। दरअसल ये सवाल बार बार इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार बनाती दिखाई नहीं दे रही है। एनडीए गठबंधन जरूर सरकार बनाने के जादुई आंकड़े को क्रॉस करता दिखाई देता है, लेकिन फिलहाल जो एनडीए गठबंधन में शामिल हैं वो दल कभी कांग्रेस के साथ थे। ऐसे में क्या खासकर नीतीश कुमार वापस इंडिया गठबंधन में जाएंगे, इस पर राहुल गांधी का जवाब सुन लीजिए। नहीं देखिए, हम एक कोलिशन के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। राहुल गांधी ने ये तो साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन की 5 जून को मीटिंग होनी है और अगर इस मीटिंग में एनडीए गठबंधन का कोई दल आपको दिखाई दे जाए तो ये अचरज की बात नहीं होगी। बहरहाल राहुल अपने साथ जिस संविधान को लेकर चल रहे हैं उस संविधान ने जनता को जो ताकत दी उसने तो साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठे, लेकिन ये राजनीति है, इसके कई रंग हैं। अब ये राजनीति कौन सा रंग दिखाने वाली है ये जल्द साफ हो जाएगा।